दोनों सीट पे आप लोग की जीत हुई है। चलिए फिक्र नहीं, जनता मालिक है, जनता का फैसला है। लालू यादव के धुआंधार प्रचार और तेजस्वी के बड़े बड़े दावों के बीच उपचुनाव के रण में नीतीश कुमार ने अपना कुशेश्वर स्थान और तारापुर का किला बचा लिया। कुशेश्वर स्थान में जहां बड़ी जीत मिली, वहीं तारापुर में करीबी मुकाबले में नीतीश जनता की पहली पसंद बने। चलिए पांच कारण आपको बताते हैं जिससे साफ हो जाएगा कि आखिर क्यों उपचुनाव में आरजेडी की हार हुई और जनता को एक बार फिर से भरोसा हुआ नीतीश कुमार पर। एनडीए की एकता। उपचुनाव के रण में एकजुट एनडीए का मुकाबला टूटे बिखरे हुए महागठबंधन से था। महागठबंधन के दो सबसे बड़े घटक दल आरजेडी और कांग्रेस की राहें उपचुनाव के रण में अलग हो चुकी थी, जबकि दूसरी ओर पांडव जैसी मजबूती के साथ जेडीयू, बीजेपी, हम वीआईपी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एकजुट थे, इसलिए मुकाबला एनडीए के लिए आसान हो गया। साइलेंट वोटर। जब से नीतीश कुमार ने शराबबंदी, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण और पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, तब से ऐसा लग रहा है कि महिला वोटरों का झुकाव नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट हुआ है। यही महिला वोटर जेडीयू को जिताने में अहम भूमिका निभा रहे हैं और इसी वोटर को नीतीश कुमार साइलेंट वोटर की संज्ञा देते हैं। नीतीश का विकास मॉडल। पिछले कुछ सालों में बेशक नीतीश की वोट वैल्यू कम हुई है, लेकिन लालू राबड़ी शासनकाल से तुलना करके लगातार नीतीश जनता को अपने विकास मॉडल के भरोसे अपने पाले में कर ही लेते हैं। सत्ता का साइड इफेक्ट। माना ये जाता है कि जनता उपचुनाव में उसी पार्टी के कैंडिडेट को जितवाती है जो पार्टी सत्ता में हो, ताकि ऐसा कैंडिडेट उनके विधानसभा का प्रतिनिधित्व करे जो सरकार के साथ है, जिससे विकास कार्यों में बाधा ना आए। इसी लॉजिक का फायदा उपचुनाव में नीतीश को मिला। सहानुभूति वोट। उपचुनाव में सहानुभूति वोट एक बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि इस बार का उपचुनाव दोनों सीटों पर विधायक के निधन के बाद हो रहा था, इसलिए खास तौर पर कुशेश्वर स्थान में अमन भूषण हजारी को अपने पिता शशि भूषण हजारी की मौत की वजह से सहानुभूति के नाम पर बड़ी संख्या में वोट मिले। चलिए कारण चाहे जो भी हो, लेकिन एक बार फिर से उपचुनाव में नीतीश अपने किले को बचाने में कामयाब हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।